नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलो आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि 14 राज्यों की 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी को एक और इंटरनल सर्वे में बड़ा झटका लगा है। यहां पर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया था, जिसमें बीजेपी चुनाव रही है। किस तरह से सर्वे के आंकड़े क्या है आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पेगासस जासूसी मामले पर मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान क्या है इसकी। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का बहुत बड़ा ऐलान क्या है जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों देश की मोदी सरकार ने 14 राज्यों की 29 विधानसभा 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हारने के बाद जिस तरह से डीजल और पेट्रोल पर रेट घटाए हैं, इस मामले पर राकेश टिकैत और किसानों ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला किया है से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के अब WHO की तरफ से एक बड़ी चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है, क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब किसानों के समर्थन में पंजाबी गायक बब्बू मान समर्थन में गए दोस्तों, कुंडली बॉर्डर पर बब्बू मान पहुंच गए हैं, किस तरह से उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों रोहतक में राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जागड़ा यानी कि बीजेपी के जो नेता हैं सांसद हैं उन्होंने किसानों को लेकर के विवादित बयान दे दिया है, क्या कुछ कहा है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अब एक और बीजेपी के मंत्री ने किसानों के साथ और किसानों का मजाक उड़ाया है और महंगाई पर एक अजीबो गरीब बयान दिया है, क्या कुछ कहा इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों 29 राज्यों की 14 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव, 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी को पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में करारी का सामना करना पड़ा है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक ताजा इंटरनल सर्वे कराया था। इस सर्वे के जो आंकड़े हैं दोस्तों वो भी चौंकाने वाले हैं, बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं देश की 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के जिस तरह से नतीजे आए हैं बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। इंटरनल सर्वे, अगर हम बीजेपी के इंटरनल सर्वे की बात करें तो मोदी फैक्टर पूरी तरह से देश में अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी फैक्टर पे और मोदी जी के नाम पर अब बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, ये खुद बीजेपी का इंटरनल सर्वे बता रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पेगासस जासूसी मामले पर अब अमेरिका का एक बहुत बड़ा ऐलान, आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने फैसला लिया है कि पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाले इसराइल के NSO समूह को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। हमारे देश में लगातार बड़े बड़े पत्रकार और कई उद्योगपति और कई ऐसे नेता हैं जिनके फोनों की टेपों यानी जासूसी की गई, जिसमें मैक्सिमम 300 फोनों की बताया जा रहा है कि जासूसी की गई थी। खैर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी NSO के ऊपर जो है अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया, अमेरिका ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, जिससे मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब हमारे देश में भी लोग सवाल खड़े करने लगे हैं कि अमेरिका जैसा देश इस सॉफ्टवेयर को ब्लैकलिस्ट में डाल सकता है तो आखिरकार मोदी सरकार क्यों नहीं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बहुत बड़ा ऐलान, अब अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं दोस्तों OP राजभर के बाद अब अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों यहां पर अब डीजल पेट्रोल के दाम कम करने के बाद जिस तरह से मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, इसी बीच अब राकेश टिकैत की तरफ से मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला गया है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं राकेश टिकैत ने कहा है कि 100 करके 5 रुपए घटा रहे हैं, कहते हैं राहत दी है, यानी कि 100 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल पर और 5 रुपए कम कर रहे हैं, और यह कह रहे हैं मोदी सरकार कि हमने तो बहुत
बड़ा काम कर दिया। ये कहते हुए राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी चुनाव में जनता मोदी सरकार और बीजेपी सरकारों को जो है कई राज्यों से बाहर उखाड़ कर फेंकेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों, कोरोना वायरस की थर्ड वेव को लेकर के WHO की बहुत बड़ी चेतावनी। आप इस खबर को देख सकते हैं, WHO ने साफ कह दिया है कि अब 5,00,000 लोगों को तीसरी लहर में जान गंवानी पड़ सकती है। अगर पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर के सतर्कता नहीं बरती गई तो आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत की बात करें तो इससे 5,00,000 लोगों की कैजुअल्टी हो सकती है, ऐसा एक सर्वे में और WHO के आंकड़ों के मुताबिक जो है जानकारी सामने आई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही जो है किसानों के समर्थन में, बब्बू मान जो कि पंजाबी गायक हैं वो सामने आ गए हैं दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं, पंजाबी गायक बब्बू मान गुरुवार को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के मौके पर जो है हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर किसान धरना स्थल पर पहुंचे हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर के दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों ने गुरुवार को आंदोलन में शहीद किसानों की याद में दिया जला। इस दौरान हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर पंजाबी गायक बब्बू मान किसानों के बीच पहुंचे हैं। पंजाबी गायक बब्बू मान ने कहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर के एक साल से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगें पूरी नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा बीजेपी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, एक और बीजेपी के राज्यसभा सांसद का किसानों को लेकर के एक और विवादित बयान। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों, भाजपा सरकार उस मद पर काम कर रही है जिस पर चपरासी से लेकर के उपायुक्त और एक मजदूर से लेकर के धनाढ्य लोगों व राजनेताओं के बच्चे एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन अब खबर सामने आ रही है, इसी बीच बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने किसानों को लेकर के एक अजीबोगरीब बयान दे दिया है। रोहतक में राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा बोले हैं कि आंदोलन की आड़ में विरोध करने वाले किसान नहीं शरारती तत्व हैं, यानी कि किसानों को इन्होंने शरारती तत्व बता दिया है। खैर, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों, बीजेपी के एक और नेता का महंगाई पर बेतुका बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर के भाजपा नेताओं की बेतुकी बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवराज सरकार में मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने महंगाई का गणित समझाते हुए बताया है कि महंगाई बढ़ने से किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है। भाजपा नेता ने आगे कहा है कि इसलिए हमें महंगाई को स्वीकार करना चाहिए। बिसाहू लाल सिंह ने महंगाई पर बात करते हुए कहा है कि पहले लोग 1 रुपए में 10 किलो धान खरीदते थे, आज 19 रुपए में 1 किलो धान बिक रहा है। इसलिए अगर इस तरह किसानों का फायदा हो रहा है तो लोगों को महंगाई को स्वीकार करना चाहिए। इस तरह के बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं। खैर, आप इस पर क्या राय रखेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।